हम लोग इतने छांव में बैठे हैं सारे लोग यहाँ पे, और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ धूप में बैठे हैं, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा मन ये था कि जैसे बच्चे अपने जमीन पर बैठे हम लोग भी उसी तरह जमीन पे बैठे। जो खेल है, यह जो कला प्रदर्शन है, इसमें मेरे लिए घोर आश्चर्य का विषय ये है कि कुछ बच्चे तो बड़े बड़े हैं, जैसा कि इनके द्वारा बताया गया कि ताइक्वांडो का जो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो राष्ट्रीय लेवल पर भी अपना कला का परिचय, कला का ये दिखा चुके हैं और मेडल भी प्राप्त कर चुके हैं। तो सबसे पहले उन सभी प्रतिभागियों को, उन सभी खिलाड़ियों को मेरे तरफ से बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं, जो इतनी कड़ी मेहनत करते हैं और इन बच्चों को इस काबिल बनाते हैं कि ना सिर्फ ऐसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में, ऐसे दूरस्थ क्षेत्रों में, बल्कि आश्चर्य ये है कि वह लावालौंग का क्षेत्र जो पहले नक्सलिज्म के लिए जाना जाता था, और जो लावालौंग पहले अफीम की तस्करी के लिए जाना जाता था, आज ऐसे सुदूरवर्ती और ऐसे दूरस्थ क्षेत्रों में आप ये खेल के माध्यम से लोगों को डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, वो जितनी तारीफ, एक तो आप आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस जिसको बोलते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी होती है, उसमें आप होता है तो स्वस्थ मन का विकास होता है उसमें, और अगर स्वस्थ मन का विकास हुआ तो अच्छे अच्छे विचार जो है आपके मन में आएंगे, और जब अच्छे अच्छे विचार मन में आएंगे तो आपका कार्यकलाप भी उसी तरह का अच्छा होगा। और कि बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, और बच्चे जो हैं, जिस तरह से बच्चों को हम सिखाएंगे, जिस तरह से बच्चों को आगे लेकर के जाएंगे, निश्चित रूप से हमारा समाज उसी दिशा में आगे बढ़ेगा, हमारा देश का जो परिकल्पना है वो उसी हिसाब से। अच्छे संस्कार दें बच्चों को, अच्छी अच्छी चीजें सिखाएं, अच्छे अच्छे कलाओं से उनको प्रशिक्षित, समय से धूप में बैठे हुए हैं, काफी विचलित भी दिखाई पड़ रहे हैं, हम चूंकि छांव में हैं तो हम लोगों को उतनी ज्यादा फील हो रहा है, इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है, तो बच्चों को क्या महसूस हो रहा होगा। मैं अचंभित हूँ, इतने छोटे छोटे बच्चे जो आप इनको कमांड दे रहे हो, ये याद है, ये बहुत बड़ा काबिल है। घर से बाहर निकले तो साथ में क्या लेकर के चले, जोर से बोलिए, हेलमेट पहन के चले, और उनको ये बात समझाइए कि दो से ज्यादा गाड़ी पर बैठना नहीं है, साथ साथ क्या करना है, शराब पीकर जान इसमें जा चुका है, हम लोग अक्सर इससे दो चार होते हैं, जब दुर्घटना होता है तो हम लोग जाकर के रोड पर खड़े होकर के जान को हटाने का प्रयास करते हैं। हम लोग क्यों ऐसा क्यों ना करें कि लोग जब जागरूक हो जाए, हेलमेट आपके सुरक्षा के लिए है, जैसे अभी आपके बच्चे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे आत्मरक्षा के लिए इतने प्रयास कर रहे हैं, इतने मेहनत कर रहे हैं, तो आप समझिए कि हेलमेट आपके लिए कितना जरूरी है। अगर आप सर में डाल करके नहीं चल रहे हो, और अगर आप गिर गए और आपका सर उस जमीन से टकरा गया, रोड से टकरा गया, तो आपको बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी आपको एक चीज और बताना चाहेंगे कि जैसे आप सभी जानते होंगे, पता नहीं आपको नहीं पता होगा, पहले के समय में अगर आप दुर्घटनाग्रस्त होते थे, पहले के समय में अगर रोड में कोई दुर्घटनाग्रस्त लोगों को आप देखते थे तो आप डर जाते थे, आपको लगता था कि पता नहीं यहां से उठा करके इसको मैं हॉस्पिटल पहुंचाऊंगा तो प्रशासन के बहुत सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा, मुझे गवाही देनी पड़ेगी, काफी सवाल का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आप सभी तमाम बच्चे, जो बड़े बड़े बच्चे दिखाई दे रहे हैं, जो बाकी लोग भी खड़े हैं, जो यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, उनको ये बताना चाहते हैं, रास्ते में चलते हुए गिरे हुए घायल अवस्था में, बाइक से, फोर व्हीलर से कहीं घायल अवस्था में किसी को देखते हैं तो आप उनको बचा के तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाएं, आपसे प्रशासन कोई भी तरह का सवाल नहीं करेगा। साथ ही साथ आपको एक और जानकारी देते हैं, अगर इस तरह का बचाव करते हैं तो आप अपना फोटोग्राफ उस व्यक्ति के साथ लेकर के हमारे थाना प्रभारी को सौंपे, आपको 5,000 रुपए का इनाम प्रशासन की तरफ से दिया जाएगा। तो सबसे बड़ा जो डर होता था पहले कि आप गिरे हुए व्यक्ति को उठाएंगे तो आपको बहुत सवाल का सामना करना पड़ेगा, ये सवाल आपसे पास के लिए आपको 5,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसीलिए हम तमाम लोगों को ये कोशिश रहनी चाहिए कि अगर कहीं उस तरह का दुर्घटनाग्रस्त कोई व्यक्ति दिखाई पड़ता है तो अविलंब उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाएं, उनका फोटोग्राफ आप साथ में लें और हमारे थाना में उसको उपलब्ध कराएं, आपका नाम उस रिवार्ड लिस्ट में भेजा जाएगा, और निसंदेह आपको हर एक घटना के लिए, जहां भी घटना आपको दिखती है तो आपको उसके लिए 5,000 रुपए के नाम देने के बारे में सूचना मिलती है, या अफीम बेचे जाने की सूचना, अन्य तरह की सूचना आप गुप्त तरीके से उसको प्रशासन को दीजिए, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। कर रहे हैं तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सब तमाम लोगों को बताते हैं कि जैसा कि आपको बताना चाहेंगे कि एनडीपीएस एक्ट के तहत मृत्यु दंड का भी प्रावधान को जब्त किया जा सकता है। तो बहुत ज्यादा नहीं बोलते हुए एक बार हम लोग सभी गांवों में, सभी पंचायत में बैठ करके इस संदर्भ में जागरूकता अभियान चलाएंगे, इसमें हमारे वन रक्षी भी यहाँ मौजूद हैं, इनको भी इसी माध्यम से, इसी बात से बुलाया गया था। आप तमाम लोगों को ये जो बातें हमने बताया वो क्लियर है,
कि आप तमाम लोगों को ये प्रतिबद्धता है कि प्रशासन को इसकी खबर देनी है कि किसको गुप्त तरीके से आप हमको सूचना दे सकते हैं ताकि जीरो टॉलरेंस का जो नीति हम अपना रहे हैं उस पर हम कामयाब हो सके। और आपको पता है माताएं बहनों को ये बात पता होगा कि अफीम की खेती जहां हो रही है, अभी आपको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं तो आप समझ लीजिए कि वहां की भूमि जो आपकी है, जो खेती करने लायक भूमि है, वो बंजर होते चली जा रही है। यहाँ की जो गर्भवती महिलाएं हैं उस पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। आपके बच्चे विकलांग पैदा होंगे कल, और जो बच्चे अभी हैं छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, इस पर इतना व्यापक प्रभाव पड़ रहा है कि आप बता नहीं सकते। बच्चे रहने वाले बच्चे अफीम और ब्राउन शुगर का जो लत लग जाता है उनको, तो वो उसके बिना रह भी नहीं पाएंगे। एक पूरा जनरेशन खराब हो रहा है, इसलिए आप तमाम लोगों से हाथ जोड़के नाम से इनका क्षेत्र जाना जाए, इसी शुभकामना के साथ मैं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अशोक कुमार प्रियदर्शी आप सबों से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।